नमस्ते, आदाब और सलाम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग व्लॉगिंग फीवर पे। तो मैं हूं आपका दोस्त वसीम। तो आज की व्लॉग शुरू करने से पहले मैं कुछ दोस्तों का, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनका कुछ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीक पे जो मेरा पहला व्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा और इतना सारा मुझे लाइक और कमेंट मिलेगा। तो उन्हीं दोस्तों का शुक्रिया, आपने दिल से मुझे प्यार दिया और इतना अच्छा कमेंट और इतना सारा लाइक किया और शेयर भी किया, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया है। तो फिर मैं आज के व्लॉग पे, बहुत सारे दोस्तों का ये मैसेज मुझे आ रहा था कि नेक्स्ट डे पे, जब मैंने पिछली बार व्लॉग अपलोड किया था, तो फिर नेक्स्ट डे पे उन्हीं दोस्तों का बहुत सारा मैसेज मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप पे, कमेंट पे आ रहा था कि आपने फिर नेक्स्ट डे पे क्यों व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कतर पे जॉब करता हूँ। तो जॉब के लिए क्या होता है ना, सुबह से जब आप जॉब को जाते हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ कंटेंट क्रिएट करो या कहीं जाओ घूमने के लिए या फिर कुछ आप बताओ, क्योंकि टाइम का इतना कट टू कट होता है, तो आप कुछ भी करने के लिए मूड ही नहीं होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वीक पे जो छुट्टी मिलती है हमें, तो उस वीक पे तो मैं कहीं ना कहीं घूमने जाता हूँ। तो फिर मैं आपको ब्लॉग बना के, अगर वीक पे एक छुट्टी आ गई या दो छुट्टी आ गई, जितनी भी छुट्टी आएगी, तो मैं उस पर अपना वीडियो आपको अपलोड करके आपको दिखाता रहूँगा। तो बहुत सारे दोस्तों का ये भी मैसेज आ रहा था कि आपने जो यूरोप वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था, आपका क्या हुआ प्रोसीजर, कहाँ तक गया, आपने कहाँ से अपलोड किया था, कहाँ से आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने लगवाया था। तो उस दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, इसके लिए एक वीडियो नया लेके आऊँगा मैं, जो डिटेल्स डेडिकेटेड होगा बस अपना यूरोप वीज़ा के लिए। तो वो वीडियो जो मैं बनवाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाऊंगा मैं, आपको पूरा डिटेल्स स्टार्टिंग टू एंड, और आप कतर से कैसे, कहां से, आप किस ऑफिस के ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या आपको अपलोड करना है, वो भी आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन आज का जो पर्सनल व्लॉग, व्लॉग नंबर टू, तो उस व्लॉग नंबर टू पर मैं ऐसे ही, आज छुट्टी था तो मैं सुबह से सोच रहा था कि कहीं जाऊँ घूमने के लिए। तो फिर अब गर्मी, मैंने पिछले वीक पे बताया था कि गर्मी कतर पे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज जब मैं करीबन मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाने लगा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि गर्मी थोड़ी तो कम है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप मुझे अभी मेरे वीडियो पे भी देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बहुत, मतलब कि पसीना, मैं करीबन पिछले एक घंटे से मैं ये कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वेटिंग जो है वो मेरे फेस पे कम हो जाए और मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन जो ह्यूमिडिटी की वजह से वो स्वेटिंग आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, क्योंकि लाइट अगर कम हो गई, सनलाइट अगर कम हो गई, तो वीडियो ब्लॉग पे उतना वीडियो अच्छा नहीं आएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए वीडियो बनाते हैं। तो मेरे रूम के सामने पर एक छोटा सा पार्क है, तो मैं आपको वो पार्क भी दिखा देता हूँ। छोटा सा पार्क है, इस पर मतलब कि इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने, और मैं इसके पहले भी एक बार यहाँ आया हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये छोटा सा पार्क है और यहाँ की जो क्लीननेस है, और वो भी काफ़ी, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि टॉप लेवल पे। तो मैं यहीं आ गया, मैं बोला यहाँ से, और जो कॉर्निस है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक, और इस पार्क के साथ ही समंदर लगा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ से अभी समंदर के तरफ फिर निकल जाएंगे पैदल जाते हुए, लेकिन अब गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी है कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ से कॉर्निस की तरफ जाना चाहिए या फिर यहीं से वीडियो शूट ख़त्म करके फिर मैं यहीं से रिटर्न हो जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं, अगर थोड़ी सी सनलाइट अगर कम होती है, पसीना तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पसीना गिर रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है अभी थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, क्योंकि जो सनलाइट है वो चला गया है, अभी थोड़ी सी हवा चलने लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कॉर्निस की तरफ जाऊँ और आपको दिखा दूँ कि मेरे कॉर्निस यहाँ का कैसा है। और उससे पहले आप जाते हुए आप देख सकते हो कि मैं किस तरफ से ऐसे घूम रहा हूँ, ये आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा, मतलब कि मेनटेन करके, और छोटी, मतलब कि अगर बोला जाए ना, बहुत छोटी सी पार्क है, और उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि आप
देखते ही रह जाओगे। और अगर आप यहाँ आओगे ना तो आज के सोशल मीडिया के दौर पे आप वीडियो बनाने लग जाओगे, और या तो फिर शॉर्ट्स या तो फिर या कुछ भी या फोटो निकालने भी लग जाओगे। तो चलिए चलते हुए आपको चलते 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 हैं हम कॉर्निस की तरफ, और मैं बताता हूँ कॉर्निस से जुड़ा हुआ कि मतलब कि क्या क्या चीज़ और क्या क्या सब है आपको मैं बताता रहूँगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो पार्क से बस निकलते ही सामने ही आप सामने मिल जाएगा मतलब कि जो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है, तो वो आप देख सकते हो कि ये जैसे ही आप पार्क से वो छोटे वाले पार्क से बाहर निकलोगे तो वैसे ही आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर आपको दिखने लगेगा। ये आप देख सकते हो, ये है आपका कतर का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। और कभी टाइम मिला अगर छुट्टी पे तो आप मैं इसके अंदर भी जाऊंगा और इसका जो हिस्ट्री और इसका जो डिटेल्स है वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ इन लोगों ने रखा हुआ है और कहाँ से ला कर रखा हुआ है वो सब की डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम कॉर्निस की तरफ जाते हुए मतलब के रास्ते पे आप देख सकते हैं ये जो कॉर्निस रोड है, ये कॉर्निस रोड पे ही हम लोग मैं आ चुका हूँ अभी, और यहाँ से सीधा आपको मतलब के मेरे हिसाब से करीबन 100 से 200 मीटर के अंदर में ही समंदर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं समंदर के किनारे थोड़ी सुकून मिल जाए या तो थोड़ी ठंडी हवा मिल जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है कि आप मेरे फेस से ही आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, मैं आगे बताता हूँ कॉर्निस पे क्या क्या है और क्या चीज़ है। वो पार्क से निकल के जो मैंने सोचा था कि समंदर के साइड पे हो सकता है थोड़ी सी ठंड हवा मिलेगा, ह्यूमिडिटी कम होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी हवा है मतलब कि जो ह्यूमिडिटी उस पार्क के अंदर में था, और मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ह्यूमिडिटी कम हो गया है। और यहाँ का जो कॉर्निस है ना, ये पूरा ब्लू पानी अगर देखा जाए ना, पूरा मतलब कि बहुत नीट एंड क्लीन और पूरा ब्लू आप देख सकते हैं। ये मेरे चारों तरफ ये है कॉर्निस, कॉर्निस यहीं से शुरू होता है और शुरू होकर ऐसे ही ये लगा हुआ है काफ़ी दूरों तक, और आप ये देख सकते हो कि सामने पे काफ़ी सारे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, और शाम के वक्त में यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, और बहुत सारी जो फिशिंग करना चाहते हैं वो लोग फिशिंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ फिशिंग करना भी अलाउ है, आप अपना फिशिंग लेके आओ, आप अपना बैठो फिशिंग करो, यहाँ पे आप स्नैक्स करो, आप चाय पी सकते हो, और आप कुछ खाना खा सकते हो, या तो फिर अगर दोस्तों के साथ में अगर पार्टी करना हो, पार्टी मतलब वो वाला पार्टी नहीं जो मैं आप समझ रहे हो, वो वाला पार्टी नहीं, तो पार्टी भर का मतलब होता है कि जैसे कि स्नैक्स वगैरह फास्ट फूड वगैरह कुछ ले आए, आप इस यहाँ पे बैठे और बैठने के बाद में थोड़ा खाना वाना खा लिए, फिर खाने के बाद में आप उस जगह को आपको खुद को क्लीन करना पड़ेगा, और जगह जगह पे यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है, आपको खुद को क्लीन करके आपको वो डस्टबिन पर डाल देना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्वच्छता है ना, जो क्लीननेस है वो टॉप लेवल पे, तो आपको खुद का भी दिल नहीं करेगा कि आप इस इतने अच्छे खूबसूरत जगह को आप गंदा करो। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी आते हैं पार्टी करते हैं मजे करते हैं फिर अपना क्लीन करके निकल जाते हैं। तो ये वाला जो कॉर्निस है समंदर है, ये मेरे रूम से करीबन 5 से 7 मिनट के वॉकिंग पे है, तो मैं हमेशा यहाँ आता रहता हूँ, कभी कभी वॉकिंग पे आता हूँ। तो देख सकते हैं आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है जो कि ह्यूमिडिटी से मुझे तो राहत मिल गई है। तो वीडियो पे बने रहिए, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता रहेगा और मुझे स्ट्रेंथ देता रहेगा कि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो कतर से या कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से भी, मतलब कि आप अगर चैनल पे जुड़े रहते हो ना, तो मैं जो यूरोप जाने वाला हूँ वहाँ से भी आपको वीडियो बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ क्वेरी है, चाहे वो यूरोपियन वीज़ा का हो गया या कतर से रिलेटेड हो गया, तो मुझे कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीक मेरी छुट्टी जब आती है, वेडनेसडे हो या थर्सडे हो, किसी भी दिन पर, तो फिर मैं कहीं से आपको एक नया वीडियो, फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अपलोड करके ब्लॉगिंग फीवर चैनल पे आपको दिखाऊंगा। आप ब्लॉग पे बने रहिए, तब तक
तक सबा खैर, खुदा हाफ़िज़।